मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। भारत में अंग्रेजों के चापलूस राजाओं ने उन्हें सत्ता में बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई थी, किंतु कन्हैयालाल वैद्य जैसे पत्रकारों ने ऐसे राजाओं को राज्य सत्ता से बाहर कर दिया। वैद्य जी सुविधा भोगियों के बीच एक ऐसे तपस्वी पत्रकार थे जिन्होंने सराज सत्ता को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए ऐसे कई राजाओं को सत्ता में बेदखल कर दिया जो कि अंग्रेजों की गुलामी कर उन्हें आश्रय दे रहे थे। उक्त विचार मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के थानला में व्यक्त किए। ये यहाँ कन्हैयालाल वैद्य जी की 113वीं जयंती के अवसर पर मामा बालेश्वर दयाल उद्यान में स्थानीय नगर परिषद द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन कर रहे थे। यादव ने इस उद्यान में स्थापित वैद्य जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। नई शिक्षा नीति के बारे में बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसमें बहुत समय से आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और अब इसका खाका आकर ले रहा है। यादव ने कहा कि महाविद्यालय शिक्षा क्षेत्र डिग्री हासिल करने का माध्यम न होकर तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने एवं रोजगार मूलक होना चाहिए। तुम्हारी सरकार ने कॉलेज को मान्यता देते हैं जहां पूरी उदारता दिखाई है, वहां को शासकीय महाविद्यालय ऐसे भी हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, ऐसे में शासकीय खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। उन्होंने कहा कि मॉडल कॉलेज का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। व्याख्यानमाला को वहीं कन्हैयालाल वैद्य जी के सुपुत्र क्रांति कुमार वैद्य ने सभी का फूलमालाओं से स्वागत किया। अनुसूचित जनजाति के पूर्व सांसद उज्जैन सत्यनारायण पवार, प्रदेश अध्यक्ष कलसी भाबर, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री संगीता सोनी, भाजपा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नारायण भट्ट, डॉक्टर के द्विवेदी, झाबुआ थानला भाजपा मंडल अध्यक्ष समर्थ उपाध्याय एवं अग्निपथ के संपादक अर्जुन सिंह चंदेल ने भी संबोधित किया। नगर परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर ने स्वागत उद्बोधन वहीं कन्हैयालाल वैद्य पत्रकार समिति द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव को झाबुआ जिला का आदिवासी स्मृति चिन्ह तीर कमान व झोलिया भेंट किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश भट्ट, डॉक्टर उमेश चंद शर्मा, कुंदन अरोड़ा, सुधीर शर्मा, मनोज चतुर्वेदी, अक्षय भट्ट, समकिल तलेरा, निरंजन भारद्वाज, मुकेश अहिरवार, धर्मेंद्र पंचाल, रितेश गुप्ता, कादर शेख, आत्माराम शर्मा, राजू धानक, माणकलाल जैन, राजेश डामोर, अविनाश गिरी, कुलदीप वर्मा, महिला पत्रकार नीलिमा डाबी, मनीष वाघेला, गोपाल प्रजापत एवं जिले के समस्त पत्रकारगण उपस्थित थे। संचालन वीरेंद्र व्यास और मनोज उपाध्याय द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आभार कमलेश तलेरा ने माना। थानला से नीलिमा डाबी की रिपोर्ट। मुझे इस बात का गर्व है, एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है जिन्होंने न केवल आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व दिया बल्कि पत्रकारिता की उच्चतम मापदंड स्थापित किया। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े समाचार पत्र ने आज से लगभग 70 साल पहले उन्हें पत्रकारिता की और हमारे सबके लिए इतनी बढ़िया मिसाल कायम की है कि राजसत्ता से लड़े राजाओं को गर्दन से उतार दें। ये एक अपने झाबुआ जैसे जिले के लिए आश्चर्य बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन भर वो अच्छी बातों के लिए लड़ते रहिए, लोगों को प्रेरणा देते रहिए। ऐसे में मुझे उच्च शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यहाँ आकर के ये जो सम्मान मिला मैं भी आभार मानता हूँ और ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा को सामने रख करके हमारे लोग आजादी की कीमत समझेंगे, पत्रकारिता की कीमत समझेंगे। आज के इस दौर में उनका जीवन सबके लिए प्रेरणादायक मेरी अपनी ओर से बात। सर आज बजट पेश किया गया उसके बारे में कुछ कहना अभी तो बजट देखने को बजट के हाथों होना था और ऐसे महापुरुष हमेशा मगर हमेशा उन्हें याद किया जाता है। मैंने जैसा कहा है कि हम इस धरातल पर मनुष्य रूप में आए और अच्छा कर्म करके हमारी यादें हजारों वर्ष तक स्थापित हो ऐसा करें। आज माननीय कन्हैयालाल जी वैद्य ने इस माँ भारती के लिए अपना तन मन धन सब कुछ नौछावर करा है, उसका परिणाम आज सैकड़ों साल बाद भी आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, हमें हमेशा याद करते रहें, ऐसा हम कर्म किए जाएं। भाई साहब को जाना है इसलिए जल्दी है मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आरएडी लक्ष्मण जी नायक साहब, अनुसूचित जनजाति के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कलसिंह जी भाबर साहब, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं और मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री आदरणीय संगीता जी सोनी जी, मंच पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाई शैलेश जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय सुल्तान जी, उज्जैन से पधारे हमारे पूर्व सांसद आदरणीय पवार जी, इंदौर
और उज्जैन नगर निगम के चार बार पार्षद रहे आदरणीय दीदी, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाई गौर सिंह जी।